एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोले जहां हम कहते हैं बेसब्री से, जैसे मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, या मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ चलने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ज्वाइन करके सपोर्ट किया। आइए फ्रेंड्स अब एग्जाम्पल्स देखें। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम वेटिंग फॉर यू एगरली। वर्ड एगरली एक एग्जेक्टिव ऑफ मैनर है जिसका मतलब होता है बेसब्री से। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं कि वर्ड वेट के बाद फा लिखना जरूरी नहीं होता, यानी आमतौर पर वर्ड वेट के साथ फा नहीं लिखा जाता, और जब इस वर्ड के साथ फा लिखा जाता है तो यह एक होता है फेज वर्ड, यानी कि वेट फा एक फेज वर्ड है। अगर आप चाहें तो आप वेट एगरली लिख सकते हैं, यानी फा को हटा सकते हैं। छोटा में आप ऐसा समझें कि वेट के बाद आप फा लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों सूरत में आपके सेंटेंसेस करेक्ट होंगे। अगर आपको कहना हो कि मैं इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I was waiting this video eagerly, यानी मैं इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हो सकता है कि आप सोचें क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले eagerly लिखा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ड eagerly को मैंने ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है, यानी दिस वीडियो के बाद लिखा है। तो क्या इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जा सकता है I was waiting eagerly this video। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि वर्ड एगरली एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी एक ऐसा वर्ड है जिससे मैनर का पता चलता है। और जब मैंने आपको एडवर्ब वाला लेसन सिखाया तो वहां मैंने आपको सिखाया कि एडवर्ब ऑफ मैनर को मेन वर्ब के बाद लिखते हैं, और अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो अगर आप मेरा एडवर्ब वाला लेसन देखे हैं तो फिर ये बात आपको अच्छा से पता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर को कहाँ लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि नीचे वाला सेंटेंस जहाँ पे मैंने वर्ड एगरली का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के पहले किया है वो गलत है। आप ऐसा ना करें। अगर आपको कहना हो कि वह बेसब्री से इंतजार की, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी वेटेड एगरली, यानी वह बेसब्री से इंतजार की। वह मेरा बेसब्री से इंतजार की, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी वेटेड फॉर मी एगरली, यानी वह मेरा बेसब्री से इंतजार की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडोज्ड क्या है, यानी इस वर्ड का इस्तेमाल क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि इंडोज्ड का मतलब होता है मंजूरी देना या किसी चीज का समर्थन देना, यानी किसी चीज को अप्रूवल दे देना। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को समझ सकें। जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिनों पहले टिकटॉक और पबजी पर बैन लग गया था, लेकिन कोर्ट ने टिकटॉक और पबजी को मंजूरी दे दिया। तो अगर आपको कहना हो कि कोर्ट ने टिकटॉक और पबजी को मंजूरी दिया, यानी उसे अप्रूवल कर दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द कोर्ट इंडोर्स्ड टिकटॉक एंड पबजी, यानी कोर्ट ने टिकटॉक और पबजी को मंजूरी दे दिया या समर्थन दे दिया, यानी अप्रूवल दे दिया। अगर आपको कहना हो विरोध के बावजूद भी बिल को मंजूरी दे दिया गया, यानी खिलाफत के बावजूद भी बिल को मंजूरी दे दिया गया या बिल को अप्रूवल मिल गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डिस्पाइट द अपोजिशन द बिल वॉज इंडोर्स्ड, यानी विरोध के बावजूद भी बिल पास कर दिया गया या बिल को समर्थन मिला या बिल को मंजूरी दे दिया गया। अगर आपको कहना हो कि सरकार ने शराब बेचने की मंजूरी दे दी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द गवर्नमेंट हैज इंडोर्स्ड टू सेल लिकर, यानी सरकार ने शराब बेचने की मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को सीखा कि इंडोर्स्ड क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।